हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आग लगने से लाखों का माल जलकर राख, सबसे बड़ा चमत्कार जो लाखों साल पहले हुआ था। ग्राम पंचायत अनांद्रा के अंतर्गत खेवाड़ा में एक बड़ी घटना घटी। सोमाराम करासिया के घर में 11 बजे आग लगने से मकान में रखा सभी वस्तु जलकर राख हुआ। पूरा परिवार आकाश के नीचे आया। अनाज, बीतर, कपड़े, मोटरसाइकिल, पैसे, सोने के जेवर, टीवी, लाइट, फिटिंग सभी जलकर राख हुआ। सबसे बड़ा चमत्कार, पूरा घर जलकर राख हुआ, मगर एक बिल्ली ने दिए 2 दिन पहले 3 बच्चों के साथ जिंदा बचे, क्योंकि आसपास सभी शाम जल गया, मगर चमत्कार से बिल्ली और बच्चे जिंदा हैं। मौके पर पहुंचे सरपंच गुलाब कुंवर, जिला परिषद सदस्य, ग्राम सचिव और समाज सेवी। पूरी घटना की कवरेज घटना स्थल से। प्रतिनिधि जो यहाँ के समाज सेवी है और हर सुख दुख में सबसे पहले पहुँचते हैं, राजेंद्र सिंह जी सोलंकी, उनसे ही बात करेंगे। सर, ये आपको कब घटना की जानकारी मिली और आप क्या प्रशासन को संदेश देना चाहेंगे इस गरीब परिवार के लिए? मैं राजेंद्र सिंह, यहाँ का पूर्व उप सरपंच हूँ और मैं ब्लॉक कांग्रेस का प्रवक्ता भी हूँ। हमको 10:30 बजे के करीब फोन पर खबर आई, हमारे यहाँ उप सरपंच सोमाराम जी ग्रासिया जो खरवाड़ा में रहते हैं, उनकी खबर आई कि आग जल गए लग गई है और यहाँ पे 2 मकानों में भयंकर आग लग गई है। तो हमने तुरंत हमारे सचिव महोदय लक्ष्मीलाल जी को फोन पे किया और वहाँ से पंचायत सहायक और लक्ष्मीलाल जी हम मौके पर पहुँचे। पुलिस को भी फोन किया तो पुलिस विभाग से भी हमारे हेड कांस्टेबल खीम सिंह जी, विद्युत विभाग के कर्मचारी सभी पहुँचे। यहाँ के ग्रामवासी, ग्रासिया समाज के लोग सब भाग के यहाँ पर आ गए थे और आग लगी उस समय में यहाँ कोई घर पर मौजूद नहीं था, बच्चे बाहर गए हुए थे और जो घर के मालिक है वो खेत में काम कर रहे थे। जब लपटा देख करके वो भाग के आए और उन्होंने कुएं से पाइपलाइन लगा करके बहुत मुश्किल से आग पे काबू पाया। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें इस परिवार के गहने, अनाज, बिस्तर, ऊपर के टीन सेट और पूरा मकान मैंने देखा, मुझे अचंभा हुआ, पूरा मकान ब्लैक हो गया। यहाँ तक जो मीटर वगैरह थे वो भी सब जलकर साफ हो गए। और इसमें कुदरत का करिश्मा जो मैं बताना चाहूंगा, जो हजारों साल बाद हुआ है कि जो अनाज की इनके पास में जो कोटियां थी उसके अंदर अनाज भरा था वो भी जल गया। और उसके बाद में एक लोही की उसमें कोटी के अंदर बिल्ली, जिसके बच्चे भी थे, बिल्ली नए बच्चे पे जो थे वो बिल्कुल सेफ थे। बिल्ली हम आए तब भी अंदर बैठी हुई थी और वो नहीं जले। ये कुदरत का करिश्मा है। और मैं यहाँ तमाम ग्रामीण इकट्ठे हुए हैं और इस परिवार का मैंने हाल देखा तो सारा नुकसान हुआ है। मैं राज्य सरकार से अपील करूंगा, मैंने तहसीलदार जी को भी फोन लगाया था तो तहसीलदार साहब आज किसी कारणवश माननीय हाईकोर्ट में पधारे हुए हैं तो मौका फर्द हमने बना लिए और राज्य सरकार से इस परिवार को पूरी सहायता मिले, इसके लिए हम और हमारे सभी ग्रामवासी निवेदन करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद। अच्छी बात बोले कि इस परिवार को तुरंत कोई राहत प्रदान करें और प्रशासन और पंचायत से भी निवेदन करेंगे उनको कोई खाने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था तुरंत करवा ताकि ये प्रसन्न हो। वो भी मौजूद है, हम उनसे पूछेंगे, वो मौके पे तुरंत आए, सूचना मिलते ही और उनसे हम बात करेंगे। सरपंच साहब, आपको ये सूचना कब मिली और आप थोड़ा विस्तार से बताएं? ये मेरी पंचायत के अंदर खरवाड़ा गाँव आता है, ये 10:30 बजे के लगभग मुझे सूचना मिली थी। जैसे ही सूचना मिली मैंने तुरंत सेक्रेटरी साहब को फोन किया, वो तुरंत वहाँ पर पहुँचे और सेक्रेटरी साहब वहाँ पर पहुँच गए थे। थोड़ी देर बाद में पहुँचे, तब तक ग्रामीण बहुत सारे इकट्ठे हो गए, उन्होंने आग बुझा दी थी। बहुत कोशिश की, पाइप वाइप लगा के फिर आग बुझा दी थी। उसके बाद में पहुँची, उनका सारा माल मतलब सारे जल गए, सोने के जेवर भी थे, पैसे भी थे और काफ़ी बिस्तर, कपड़े, अनाज, उनके कुछ भी मतलब आज खाने के लिए रोटी भी नहीं बची, उनके घर में खाने का दाना भी नहीं है, सब नष्ट हो गया। मैं राज्य सरकार से विनती करती हूँ कि आप इनको, गरीब तबके के लोग हैं, इन राज्य सरकार से निवेदन करती हूँ कि आप इनको लाभान्वित करें ताकि इनकी लाइफ पहले जैसी वापस चले। हमारे साथ स्थानीय सरपंच थे गुलाब कुंवर और हमारे जिला परिषद सदस्य, वो भी मौके पे आ गए हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। आपको कब सूचना मिली और कब कैसे आया? मैं जिला परिषद सदस्य रामलाल ग्रासिया, मुझे 10 बजे
सूचना मिली थी। मैं सूचना मिलते ही मैं तुरंत यहाँ मौके पे आ गया। तो मौके पे आते टाइम में तो आग तो बुझा दी थी लोगों ने, और वहाँ आके देखा तो खूब नुकसान हो गया था। मोटरसाइकिल, बिस्तर, अनाज वगैरह सब जल के राख हो गया था, और सोने चांदी के जेवर और छत के ऊपर भी सब टूटे फूटे थे, जेवर वगैरह सब एकदम ब्लैक हो गई थी। और वहाँ आके देखा तो बहुत नुकसान हो गया था। मैं राज्य सरकार से यही विनती करता हूँ कि गरीब परिवार है, इसको सहायता ज़रूर करावे, और इनके पालन पोषण के लिए बहुत गरीब है, और इनके मैं सहयोग करवाने की कृपा करावे। धन्यवाद। जागरूक टीवी के नागानी से महेंद्र सिंह परमार की रिपोर्ट।